तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। और फाइनली आप लोग देख सकते हैं आज मैं पहुंचा हूं हनुमान धाम जो कि हमारे रामनगर में है। और इसी तरह से हनुमान धाम के साथ साथ आप लोग काफ़ी प्यारा ये नज़ारा मंदिर का यहाँ पे देख सकते हैं। सामने आप जो है प्रवेश द्वार है मंदिर का। और आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हमारी वो होती है हमारी रामनगर से, और रामनगर से हम जाते हैं हनुमान धाम के लिए। इसी तरह से दोस्तों जब भी आप रास्ते में इस तरह से जाओगे हनुमान धाम के लिए जो कि रामनगर से आपका 7.5 किलोमीटर पड़ता है, और इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे रहता है। सामने भी आप विदेशी परिंदों का यहाँ पे दीदार कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जब भी आप रामनगर से हनुमान धाम के लिए जाते हो तो रास्ते में इसी तरह से आपको ये ब्रिज यहाँ पे पड़ता है और काफ़ी प्यारा अच्छा व्यू यहाँ पे रहता है। इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रोड जो है बनी हुई है और हनुमान धाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी यहाँ पे सफारियां भी जो है खड़ी है और जंगल विजिट के लिए यहाँ पे रहता है उनका। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा यहाँ पे पूरा ये कार्वेट नेशनल पार्क यहाँ पे लग जाता है जो कि इंडिया का एशिया का सबसे पहला पार्क भी जिसे माना जाता है कहा जाता है यहाँ पे। और फाइनली जो है अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हनुमान धाम के लिए, और वहाँ पूरे हनुमान जी के पूरे हनुमान धाम जो कि काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ पे मंदिर होते जा रहा है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स आगे बताऊँगा। और रही बात रास्ते की, बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 किलोमीटर जाते ही आप लोगों को काफ़ी बड़ा बोर्ड जो है दिख जाएगा वहाँ पे हनुमान धाम के लिए, और वहीं से आपको राइट की तरफ टर्न लेना है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी करीब जो है हम अभी हनुमान धाम के पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और इसी के साथ साथ एक बार क्योंकि हनुमान जयंती भी थी हमारी आज, तो आप सभी को एक बार जय श्री राम। और देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से जो है आज हम पहुँच रहे हैं हनुमान धाम। दोस्तों जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचोगे ना तो आपको इसी तरह से किसी से पूछने की भी आपको शायद जरूरत ना पड़े। आप लोग देख सकते हैं सामने श्री हनुमान धाम के यहाँ पे काफ़ी बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, और इसी के साथ साथ मंदिर आप लोग सामने देख सकते हैं काफ़ी प्यारा और सुंदर एकदम नज़ारा आप लोग मंदिर गेट का देख सकते हैं। इसी के साथ साथ फाइनली अभी हम पहुंचे हैं मंदिर की पार्किंग में, तो पार्किंग का भी आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो है पार्किंग है यहां पे, और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। सामने जो है हनुमान धाम का ये प्रवेश द्वार यहां पे काफ़ी सुंदर और प्यारा ये नज़ारा है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अब हम एंटर हो गए हैं मंदिर की तरफ, और एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम आप सभी दोस्तों को। और यहाँ पे ये हनुमान धाम का प्यारा सा सुंदर नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों हनुमान धाम यहाँ पे आप लोग मैं बात करूँ तो ये जो कि हमारे नैनीताल के रामनगर में है यहाँ पे, और काफ़ी जो है धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं अभी मैं मंदिर में हूँ यहाँ पे, इसी के साथ साथ पूरे मंदिर के साथ पूरे दर्शन कराऊंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी प्यारा और अच्छा यहाँ पे व्यू रहता है। इसी के साथ साथ चारों तरफ मंदिर का ये आंगन भी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ में यहाँ पे लोग आ रहे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। और जब भी आप यहाँ पे मंदिर आओ तो पूरे एक जैसे हमारे राम जी का मंदिर बना है अयोध्या में तो इसी तरह की एकदम पूरी फील आपको यहाँ पे आएगी। बाकी रही मंदिर की आरती का समय का तो पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे ये शेड्यूल देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हनुमान मंदिर का पूरा प्यारा नज़ारा, और इसी के साथ साथ जब भी आप मंदिर में आओ यहाँ पे तो आपको हनुमान जी के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के यहाँ पे पूरे साक्षात दर्शन यहाँ पे होते हैं। टोटल मिला के आपके जो हनुमान जी के हैं 21 रूपों के यहाँ पे दर्शन करने को मिलते हैं। तो फाइनली जो है हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग अपनी मन्नत मांग के यहाँ पे जो है हनुमान जी का ये कलावा यहाँ पे बांधते हैं। इसी के साथ साथ मंदिर के बैक साइड से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सामने आप माँ दुर्गा का ये मंदिर देख सकते हैं। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने के बाद आओगे तो बैक साइड में आपको माँ दुर्गा का ये प्यारा सा भवन यहाँ पे मंदिर मिलेगा। और मंदिर के बाकी आसपास का आप एरिया भी देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और अभी जो है फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग माँ दुर्गा का ये प्यारा सा मंदिर यहाँ पे। और उसके बाद जो है हनुमान जी के दर्शन करने के बाद माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद सामने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब हम यहाँ पे जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने, और शिवालय आप
आप लोग यहाँ पे मंदिर के पास यहाँ पे देख सकते हैं। और भीड़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी भीड़ यहाँ पे काफी है, काफी दूर दूर से जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और ये है हमारा हनुमान धाम का शिवालय यहाँ पे।